नमस्कार सभी को, मेरा नाम आरजे आनंद है और आज मेरे साथ बहुत ही खास एक हस्ती जुड़ी है जिनके बारे में बताना चाहूंगा कि बनारस घराने से विश्व विख्यात बांसुरी वादक जो कि 4 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनी हो चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर अजय प्रसन्ना जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए तो आप विश्व विख्यात हैं, साथ ही साथ आप अपने नेचर के लिए बहुत जाने जाते हैं कि सर बड़े बिल्कुल बिंदास होकर रहते हैं, एकदम बिंदास रहना चाहिए, क्या टेंशन है जीना। अभी अभी पल का पता नहीं है कि हमने क्या करना है, तो मस्त रहो। और वैसे नाम के आगे भी प्रसन्ना लगा, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। अरे वाह सर, आपके साथ एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, थोड़े से नटखट भी होंगे, बिंदास होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको थोड़ा सा अनोखे अंदाज में आप जवाब दीजिए। जी जी, कोशिश करूंगा। बिल्कुल, पहला सवाल है कि आप अपने पिताजी जितने स्ट्रिक्ट हैं? थोड़ा सा, उतना नहीं लेकिन कम हूँ। अच्छा सर, कहते हैं कि कोई भी हम सब में से बॉलीवुड के साथ एक अलग अटैचमेंट होता है जी, कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके लिए आपको ऐसा फील होता है कि यार काश ये मुझे सामने होते, इनके लिए मैं फ्लिप प्ले करूं? अमिताभ बच्चन। क्या प्ले करेंगे? क्योंकि वो खुद इलाहाबाद के हैं और मैं वहीं का हूं, प्रयागराज का हूं, वो भी प्रयागराज के हैं, तो मैं तो चाहूंगा, क्योंकि वो ऐसे घराने से हैं, खुद ही अपने लिटरेट घराने से हैं, तो उनको तो प्योर क्लासिकल ही अच्छा लगेगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके सामने क्लासिकल बजाऊं। कोई एक्ट्रेस? एक्ट्रेस बहुत सारी है या कोई नहीं है? बहुत सारी है, सारी अच्छी लगती हैं। एक्चुअली किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता मैं। ये भी बात सही है। हाँ, सारी अच्छी लगती हैं और मुझे मेरे सामने एक्ट्रेस ना भी हो ना तो वो मुझे एक्ट्रेस लगती है। असर ना भी हो तो कृष्ण भगवान की तो मतलब एक शक्ति है कि आप बांसुरी लेकर शुरू हो जाओ, बहुत सारे लोग आई जाते हैं। वो तो आई जाते हैं, तो हर कोई मुझे एक्ट्रेस ही लगता है। ये बात सही है। वैसे आपको पूरी दुनिया सुनती है, आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं सच बताऊं तो मैं क्लासिकल में पंडित राजन साजन जी को मैं सुनना पसंद करता हूँ और भीमसेन जोशी जी को पसंद करता हूँ और बॉलीवुड में लता जी हैं ही हैं, किशोरदा, मतलब कि जो ये पुराने लोग थे, आज की डेट में मैं अरिजीत को बहुत सुनता हूँ, अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी फील से गाते हैं, समझ है उनकी गायकी में, है वो, मतलब वर्सटाइल है वो भी। क्या बात है। तो संगीत तो संगीत ही है, जो अच्छा लगे दिल को उसको सुनना चाहिए। बॉलीवुड म्यूजिक में कोई एक ऐसा पीस जो आपके दिल के बेहद करीब हो, आज जो लोग आपको भी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ प्ले करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बांसुरी पहाड़ों में ज्यादा बजती है, तो पहाड़ी एक बहुत पुराना गाना है जिसमें एक पीस बड़ा हिट हुआ था जी, खूबसूरत तरीके से आपने बजाया और ये गाना किसको नहीं पसंद है। अगर इसे आप अपने बैंड के साथ प्ले करते, फ्यूजन के साथ, तो क्या होता था? हाँ, थोड़ा सा फिर बात है सर, क्या बात है, और ऐसे उसका नाम सीक्रेट वेपन नहीं है। हाँ, रखा हुआ। सर अगला मेरा सवाल है कि अगर आप, वैसे तो अगर हटा देना चाहिए, अगर आप फ्लिप प्लेयर ना होते तो क्या होते? फिर तो शायद मैं होता ही नहीं, क्योंकि बांसुरी मेरी जीवन है, मेरी सांस है, और ये हट जाएगी तो सांस खत्म ही हो जाएगी फिर मेरी। और एक सवाल मेरा और है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो कि पूरी दुनिया के दिल में बसता है जी, सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ पर है इनकी? सबसे अच्छी ऑडियंस अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में है, लेकिन अभी जनरेशन चेंज हो रही है तो थोड़ा सा कम हो गए, विदेशों में ज्यादा है अभी। अच्छा, क्योंकि हमने अभी, हमारा हिंदुस्तान क्या विदेशों को ज्यादा फॉलो कर रहा है, सब चीज को, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्रेस सेंस हो, सभी को, कल्चर भी फॉलो कर रहा है, तो अब वो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा संगीत उनको बहुत पसंद आता है। और ये अच्छी बात है कि अगर हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को दुनिया में अलग अलग जगह पर सुना जा रहा है, तो प्रचार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, बिल्कुल धरोहर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ, बांसुरी के साथ साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं? बचपन में मैं तबला बजाता था। अरे वाह।
और गिटार भी मैंने थोड़ा बहुत बजाया है, गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर गाता हूँ, गा लेता हूँ मतलब कुछ कुछ गा के भी मैं कभी संगीतकार की एक कहीं ना कहीं दिल में रहते हैं बहुत सारी चीजें। हाँ वो कोशिश रहती है कि भाई की क्योंकि गाएंगे नहीं तो बजाएंगे नहीं, बजाएंगे तो कैसे हम गाएंगे। अब जैसे हमारे मेरे दादा गुरु का एक है जी, अब जब दादा मतलब मैं बचपन में सुनता था याद पिया की आई, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं क्या बजा रहा हूँ जिसने नहीं सुना था, नहीं सुना गाना ये। अब या याद पिया की आई है राम, याद पिया की आई, थोड़ा कोशिश करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। और एक ये अनोखा सवाल है मेरा, वैसे हम इसकी चर्चा थोड़ी सी पहले कर चुके हैं, एक ट्रायंगल है जी, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों में एक तरफ कृष्ण भगवान, दूसरी तरफ बांसुरी और तीसरी तरफ गोपियां, एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसमें से दो चीजें तो हैं, प्रसन्ना जी और बांसुरी जी। गोपियों वाले कालम पे क्या है आपकी निजी जिंदगी में? गोपियां, मैंने कहा ना कि सामने कोई भी हो वो हीरोइन लगती है तो वो गोपियां ही है, और बांसुरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो गोपियां अपने आप आ जाए, चाहे वो इतिहास गवाह है। और बांसुरी से सबका ही गोप गोपियां सभी उसके उसके आसपास ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रसन्ना जी सोच रहा हूँ अगर यहाँ पर कोई लड़की बैठी होती है सवाल पूछती तो मैं जवाब देता फिर। हाँ, फिर मैं जवाब मैंने एक इंटरव्यू में दिया था, अगर आपकी जगह कोई लड़की होती अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं कहता कि अभी तो मैं फिलहाल आपसे काम चला रहा हूं। काम चला रहा हूं। क्या बात है सर, बहुत ही खूब। सर बस आखिरी में चलते चलते अगर जो आपके दिल के सबसे करीब धुन हो, जो लोग आपको सुन रहे हैं जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ प्ले करना चाहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एक बहुत पुरानी बहुत एक हीरो फिल्म की धुन थी जी, धन्यवाद करना चाहूंगा। और रेडियो महारानी और आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आनंद जी के साथ आनंद आ गया। और आप लोग भी आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।